तो प्रूफ ऑफ केपलर थर्ड लॉ। देखो केपलर के कितने लॉ थे, तीन लॉस थे। हमने पहला लॉ किया था जो सन है वो जो अर्थ है वो एलिप्स में घूमती है, सर्कल में नहीं घूमती, सन सेंटर पे नहीं है, उसके फोकस पे है। इसका प्रूफ हमने नहीं करना, हमारे कोर्स में नहीं है। सेकेंड लॉ था कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कॉन्स्टेंट, एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन थी, हमने रोटेशनल मोशन में प्रूफ कर लिया। थर्ड लॉ था जब भी कोई प्लैनेट सन के आसपास घूमता है और वो एक चक्कर पूरा करता है इन अ टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल टी, और उसका एवरेज रेडियस घूमने का कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर क्यूब, ये थर्ड लॉ है। तो अब हम क्या करेंगे, केपलर के थर्ड लॉ का प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, मान लो ये सन है जिसका मास कैपिटल एम है, और ये क्या है, ये मान लो अर्थ है, कोई भी प्लैनेट है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे घूम रही है जिसका मास स्मॉल एम है। तो मुझे प्रूव करना है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोई भी प्लैनेट क्यों घूमता है सर्कल में, उसको क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल। तो एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रिपिटल। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल, सन प्रोवाइड करेगा, उसे खींच रहा है टूवर्ड सेंटर। तो सन की ग्रेविटेशनल पुल कितनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्लियर है यहां तक? तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करेगा। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल, तो ये वेलोसिटी आ गई प्लैनेट की घूमने की। इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट सैटेलाइट की तरह एक ऑर्बिट में घूमता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये प्लैनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। प्लैनेट एक चक्कर कितनी देर में काटता है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या होता है, टू पाई आर बाय वी, एक चक्कर का डिस्टेंस टू पाई आर और वेलोसिटी वी। इस वी को यहां से उठा के आप यहां पुट करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेंगे, स्मॉल आर जब अंडर रूट में जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर बन के जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर क्या है, आर क्यूब, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, टी स्क्वायर हो गया, फोर पाई स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसकी जगह टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यही है आपका केपलर का थर्ड लॉ जो आपको प्रूव करने को आ सकता है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट आ सकता है।